को जैसे भी फंस गया है। पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कम से करना विजी तो 17-18 साल से। बताइए 17 ना मछली बड़ा है एक केजी। दोस्तों यही साइड है तालाब, इसका बगल में जो तालाब है बहुत बड़ा तालाब है, यहीं पे मछली पकड़ रहे सब। चलिए जाके आप लोग दिखाते हैं वीडियो। तालाब में बहुत पानी है इसलिए देखिए जेसीबी चल रहा है। ये जेसीबी के द्वारा आ जा रहा है तालाब को और यहाँ से पानी निकालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा है तो जेसीबी के द्वारा रास्ता को काट के ये पानी को निकालेगा। ये देखिए ये पूरा रास्ता काट दिया है, ये सफ़ा करेगा, ये मिट्टी को यहाँ से हटाएगा और ये पानी को सुखाया जाएगा। अभी जैसे भी चल रहा है वहाँ पे नीचे ये डॉन को पूरा मिला रहा है, मिलाने के बाद पानी निकलने स्टार्ट हो जाएगा। ये रास्ता नली टाइप से बना दिया जा रहा है, यही इसी में तालाब का पानी निकलेगा, ये डायरेक्ट निकल के जाएगा खेत में। और करीब आधा घंटा लगेगा, ये देख सकते हैं तालाब के बीच तालाब का पानी आ चुका है। तालाब में मछली डाले थे यही अंकल जी है, ये अंकल जी का नाम पूछते हैं। अंकल जी नाम आपका? नूर मोहम्मद। अंकल जी का नाम नूर मोहम्मद है। आप इसमें ये तालाब में कितना मछली डाले थे? 5 केजी प्रत्येक साल डालते हैं। 5 केजी प्रत्येक साल डालते हैं, करीब कितना साल से डाल रहा है ये तालाब में? तालाब में कम से कम ना बेची तो मैंने 17-18 साल से। बताइए 17-18 साल से डाल रहे हैं और ये मात्र 2 कोई आए हैं जाल लेके, और जाल लेके 2 कोई मार के मछली चल जाएंगे। करीब कितना हो गया अंजाद इसमें मछली? मछली इन साल तो मैंने कम ही है, इन साल पानी के मैंने असुविधा से मछली इन साल ज़्यादा बीज नहीं डालने सके, पानी बाद में हुआ बारिश। अच्छा यहाँ पर अच्छा, अब निकलने के बाद पता चलेगा कि मछली इसमें बड़ा हुआ है। मछली बड़ा है बड़ा, 1 केजी 1.5 केजी। अब कहाँ से है आपका गाँव? मेरा गाँव है विजयपुर। अंकल जी का गाँव है विजयपुर। विजयपुर से मतलब यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है वहाँ से। दोस्तों जो तालाब से जो पानी निकलने का जो रास्ता बन रहा है बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तालाब का जो नली निकाला गया तो बन चुका है, अब यहाँ ये तालाब का पानी यहीं पे खोला जाएगा और यहाँ पे जाल को लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मछली इसमें है, मछली भागने का चांस रहेगा इसलिए यहाँ पे जाल को लगाया जाएगा। खोला जा रहा है, पानी जाना स्टार्ट हो गया। दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन नाली बन गया है और पानी जाना स्टार्ट हो गया है। पानी जा रहा है पूरा खेत में जाएगा, खेत से होते हुए नीचे नदी में चल जाएगा।
तो पूरा खेत भर चुका है, देख सकते हैं ये तालाब का ही पानी है, जो तालाब से जो पानी निकाल रहे हैं ये पूरा खेत पूरा भर चुका है। का पानी बहुत ही ज़्यादा सूख चुका है, तो यहाँ पे जैसे भी बुलाया गया है यहाँ सफा करेगा। दोस्तों आप सोचिए इसमें पूरा रात भर पूरा पानी चला, और रात भर पानी चलने के बावजूद भी देखिए इसमें पानी थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्योंकि जो मछली पकड़ने आए थे अंकल साहब उसके उन लोगों के पास जाली छोटा है, इसलिए इसमें पानी निकालना पड़ा। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों ये जेसीबी का बैरिंग टूट गया था और बैरिंग लग चुका है, अब यहाँ थोड़ा और गहराई करेगा, उसके बाद पानी पूरा निकल जाएगा। दोस्तों जैसे भी फंस गया है, जैसे भी को निकालने का कोशिश कर रहा है हमारे कलाम बाबू। जाल आ गया है, अरे ये देखिए अंकल जी अपना ड्रेस चेंज कर रहे हैं। चार पांच लोटा जाल दोस्तों जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पे जाल जाल लगाया जा रहा है। को सफा कर रहे हैं अंकल जी, ये लोहा है वजन रखता है ना अंकल जी, ये वजन के कारण पानी में जाता है। कर
दोस्तों देखिए मछली आना स्टार्ट हो गया। ये देख सकते हैं उठा उठा के अपने बैग में रख रहे हैं। दोस्तों देखिए मछली बहुत अच्छा मछली आया है इसमें। दोस्तों देखिए दोस्तों ये देखिए मछली या ये देखिए दोस्तों बड़ा बड़ा मछली निकलना स्टार्ट हो गया है। Thank you.
जाल से खींचा जा रहा है। करीब 40 केजी तक मछली पकड़ा गया है। देख सकते हैं वहाँ पे जो बोरा में रखा हुआ है, इसमें दोनों बोरा फुल हो गया है।